समाचार में आगर नजर करिए, ब्रेकिंग न्यूज आवी रहा है तेनी पर अत्यारे ध्यान करिए। तो होटल मैनेजमेंट साथ संकळायेल जनरल मैनेजर साथ खास बातचीत करवामां आवी छे, कारण के लॉकडाउन पहला अने लॉकडाउन बाद नी परिस्थिति शू छे ते अंगे चर्चा करवामां आवी। माउंट आबूमां हाल शू परिस्थिति छे ते अंगे खास मंतव्य न्यूज साथ बातचीत करवामां आवी छे, अने साथ ज होटल में व्यवस्था शू करवामां आवे छे ते अंगे पण माहिती आपवामां आवी। कस्टमर माटे शू व्यवस्था कराय छे तेनी माहिती आपवामां आवी छे, कारण के जे रीते अत्यारे कोरोनानो केर वधी रह्यो छे अने गुजरातीओ फरवाना खूब ज शौकीन छे। माउंट आबू एक पर्यटक स्थळ छे, लोको अवरनवर त्यां फरवा जई रह्या छे। तो लॉकडाउन पहला अने लॉकडाउन बादनी शू परिस्थिति छे माउंट आबूनी ते अंगे વાતચીત કરી છે મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે ખાસ, અને હોટલમાં વ્યવસ્થા અંગે પણ માહિતી આપી। તો આજ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ, સંવાદદાતા બ્રિંદા જોડાયા છે આપણી સાથે। બ્રિંદા જણાવશો ખાસ કરીને જે પ્રમાણે માઉન્ટ આબુમાં અત્યારની શું પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે કોરોનાની જે અત્યારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તેના પહેલા લોકડાઉનના પહેલાની શું સ્થિતિ હતી, હવે શું સ્થિતિ છે, લોકો ફરવા જઈ રહ્યા છે પરંતુ શું માઉન્ટ આબુને માણી રહ્યા છે કે કેમ, શું પરિસ્થિતિ અત્યારે માઉન્ટ આબુની? ઝંખના જો વાત કરીએ તો જે રીતે માઉન્ટ આબુ એટલે કે કહી શકાય કે ગુજરાતીઓનું એક હબ કહી શકાય કે જે ફરવા માટેનું એક હબ છે, કારણ કે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારે રજાઓ આવતી હોય અથવા તો વેકેશનનો માહોલ હોય કે આ તો પછી કોઈ તહેવારનો સમય હોય, તમામ જે લોકો છે રજાના સમયમાં માઉન્ટ આબુની અંદર આવતા હોય છે। ખાસ જો વાત કરીએ માઉન્ટ આબુની જો હોટલોની વાત કરીએ તો હોટલ વિભાગ સાથે સંકળાયેલા જનરલ મેનેજર આપણી સાથે છે ખન્ના સાહેબ, તેમની સાથે વાત કરીશું કે આખી જે પરિસ્થિતિ છે તે કયા પ્રકારની છે। સર ખાસ તો જો વાત કરીએ જે પ્રકારે હોટલ મેનેજમેન્ટની અથવા તો હોટલ વિભાગની પહેલે કી ક્યા પરિસ્થિતિ થી ઓર અભી કી ક્યા પરિસ્થિતિ હૈ? पहले तो होटल पूरे माउंट आबू में फुल ही चल रहे थे, क्योंकि सीजन टाइम था, मार्च खत्म हो रहा था और लोगों का हमारा एक सीजन आने वाला था अप्रैल मई जून। आप जैसा जानते हैं माउंट आबू एक फेवरेट डेस्टिनेशन है गुजरात वालों के लिए और वो यहाँ के खूब एंजॉय करते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, और इस बार ग्रीनरी भी बहुत अच्छी रही है क्योंकि बारिश भी जल्दी आ गई। अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी धुंध और बादल मिल जाएंगे आपको सुबह भी और शाम को भी, बहुत अच्छा मौसम रहता है। और कोविड के बाद अब जून एंड या आप कह लीजिए जुलाई स्टार्टिंग में बिजनेस ने अब पिक करना शुरू कर दिया है, स्पेशली वीकेंड्स के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस हो गया है, लोगों ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि माउंट आबू एक सेफ जगह है, जीरो कोविड रहा है यहाँ पे, तो एक वहाँ से एक वो भी आता है कि यहाँ पे कि जीरो कोविड है तो लोग यहाँ आना पसंद कर रहे हैं और यहाँ की जो वादियाँ हैं यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जो हमारी होटल है यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में है, हमने पूरे प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए हैं, जैसे ही गेस्ट आता है हमने उनके लिए एक स्पेशली वॉश बेसन लगाया है हैंड वॉश के लिए, और प्रॉपर जो पैडल सैनिटाइजर्स होते हैं और जो भी लिक्विड सोप है सब पैडलिंग के थ्रू है, हैंड्स फ्री सब रखा हुआ है हमने, और गेस्ट का जो लगेज आता है उसको भी हम सैनिटाइज करते हैं और उसको भी हम हर्बल तरीके से सैनिटाइज करते हैं ताकि गेस्ट का लगेज खराब नहीं हो, और जो गार्ड होते हैं हमारे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है, जो लगेज लेके जाते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है हमने, रूम में सामान जाता है और रूम को कैसे सैनिटाइज करना है, जैसे एक गेस्ट जाता है तो एक दिन उस रूम को खाली रखते हैं, नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ करके उस रूम को देते हैं, पूरे फर्नीचर को टेलीफोन्स हैं रिमोट्स हैं टीवी है टेबल्स हैं उसको प्रॉपरली हम सैनिटाइज करते हैं। सर खास बात की जाए जो गुजराती लोग हैं उन लोगों का मानना है कि अभी भी कोरोना का जो कहर है जो उनका जो दहशत है वो यथा मतलब अभी भी कंटिन्यू है। खास बात की जाए सब लोगों के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि कोरोना की वजह से कहीं पे भी घूमने नहीं जा सकते, लेकिन माउंट जो है वो जीरो कोविड है, यहाँ पे कोविड नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी वेकेशन का जो टाइम था वो अभी भी स्कूलें नहीं खुलने वाली है, लोग अभी भी आना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक डर रहता है कि आएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि सब लोग घूमे भी और अपनी सेफ्टी भी रखें? हाँ मैं यही बताना चाहूंगा कि माउंट आबू कोरोना फ्री है, आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और अपना मास्क पहनने के अलावा जो भी आप गेस्ट से मिल रहे हैं ज़्यादा उनसे मतलब दूरी बनाए करके रखनी है, तो ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी तो गेस्ट को एक सेफ महसूस होता है। और जब होटल्स ये सारी चीज़ें
करती हैं, सेफ्टी मेजर्स देती हैं, स्टाफ को, जैसे हमारा स्टाफ है उसको भी हम डेली चेक करते हैं, उनके सिम्टम्स डेली चेक करते हैं हम, कोई कोई गेस्ट बीमार तो नहीं है, या टेम्परेचर तो हमारा चेक होता ही है, और उसके अलावा सिम्टम्स को भी चेक किया जाता है। किचन में भी हमारा जो होता है, हम फूड बनाते हैं उसमें भी पूरा केयर करते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम हर्बल उससे वॉश करते हैं, और इसी तरह जो गेस्ट आते हैं उनका भी हम टेम्परेचर रीड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी होटल वाले भी ये प्रिकॉशंस दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से गेस्ट को सेफ महसूस करना चाहिए यहाँ आने के बाद। सर एक बात ये भी है कि जो सारे होटल से, आपके भी कई सारे होटल से माउंट में, सब जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी आपने काफी सारी सुविधाएं की गई है, लेकिन अपने जो स्टाफ है वो ज्यादातर होटल्स में ही रुकते, तो उनके लिए क्या सुविधाएं की गई है, और उनकी जो बात की जाए तो उन लोगों को क्या मैसेज दिया गया है ताकि कि वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए जो भी गेस्ट आते हैं उनके, और उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए क्या मैसेज दिया है आपने? स्टाफ को भी हमने पूरी किट्स सप्लाई की हुई है होटल की तरफ से, मास्क है, हैंड ग्लव्स है, और जरूरत पड़ने पे पीपीई किट्स भी हमने होटल के अंदर रखी हुई है, और स्टाफ को डेली बेसिस पे हम ट्रेनिंग लेते हैं, चेक करते हैं, उनको डेली बेसिस पे बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, गेस्ट से कैसे बात करना है, रूम सर्विस करनी है तो ट्रे कैसे रखनी है, और गेस्ट को कैसे हैंडल करना है, उनको बताना है कि आप जब रूम में खाना सर्विस कर रहे हैं तो ट्रे वहाँ पर छोड़ कर के आनी है, और ये सारी चीज़ें हमने, और सैनिटाइजर हर जगह हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, लॉबी एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, मेन गेट है, और हमारा बैक गेट है, हर जगह हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, और स्टाफ के लिए भी हमने लिक्विड सोप और गेस्ट के लिए भी लिक्विड सोप सब जगह रखा हुआ है, तो एक अच्छा सेफ्टी का मेजर हमने मेंटेन किया हुआ है। જે રીતે તમામ જે ગેસ્ટ આવે છે અથવા તો તમામ જે પર્યટકો છે તેના માટે ખાસ એક સુવિધા રાખવામાં આવી છે કે હોટલની અંદર આવે ત્યારે તેઓ પણ સેનિટાઈઝ થાય અને તેમનો સામાન પણ જે છે તે સેનિટાઈઝ થાય, સાથે જે હોટલનો સ્ટાફ છે તેમના માટે પણ રોજે રોજ તેમના ચેકિંગ થાય છે, જે ગન ચેકિંગ છે તેનાથી તેમનું ટેમ્પરેચર પણ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે, એટલે કે તમામ જે લોકો જે છે તેમના મગજમાં જે ડર છે કે બહાર ફરવા જઈશું તો તકલીફ થશે, પરંતુ એવું નથી, સેફટી સાથે લોકો ફરી શકે છે, એન્જોય કરી શકે છે, તે જ એક વાત છે કે તમામ હોટલનો જે સ્ટાફ છે તે પણ સુરક્ષિત છે અને અમદાવાદની સાથે સાથે માઉન્ટ આબુ જે છે તે પણ સુરક્ષિત છે, કારણ કે હવે જો વાત કરીએ તો જે રીતે માઉન્ટમાં ઝીરો કોવિડ કેસ છે એટલે કે માઉન્ટમાં આવનારા તમામ જે પર્યટકો છે તે સુરક્ષિત છે। જી શંકરા જી આભાર બૃંદા સમગ્ર માહિતી બદલ। તો હવે માઉન્ટ આબુ ફરવા માટે લોકો જઈ શકે છે, પરંતુ જે નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે તેનું પાલન કરવાનું રહેશે। હોટલ મેનેજમેન્ટ સાથે ખાસ વાતચીત કરી મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમે, સંવાદદાતા બૃંદા માઉન્ટ આબુથી જોડાયા હતા અને તેમના દ્વારા હોટલ મેનેજમેન્ટની શું સુવિધાઓ આપવામાં આવી રહી છે તે બધી જ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી।